बोल रहे हैं। नमस्कार, आइए सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई, यानी कि अगर देखें तो थोड़ा बहुत आगे ही लगती है, लेकिन अगर ये बिल्कुल इसके बराबर की लाइन में है तो ये एक अच्छा गुण होता है। यानी यदि बिल्कुल यहाँ सूर्य के कट के पहले पर्व तक यदि उंगली पहुँच जाए तो व्यक्ति ज्ञानी भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, अच्छी याददाश्त भी होती है, ग्रहण शक्ति भी अच्छी होती है, यानी किसी की बातों को सही समय पर समझना और सही समय पर जवाब देना, ऐसे सब गुण आपके अंदर कूट कूट करके भरे हुए हैं, ये आपकी कनिष्ठा उंगली बताती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य के उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ बॉल जैसी ऊपर जा करके हो गई, और कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये वो उंगली है जिसकी लंबाई बृहस्पति की उंगली से कम है। यानी कि जब बृहस्पति की उंगली से सूर्य की लंबाई कम हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को घटाता है, ऐसा होता है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब ये गैप है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर माता पिता से भी उसके अच्छे संबंध नहीं रहते, उनसे भी उसका टकराव रहता है, और वृद्ध अवस्था में वो उनकी वैसी सेवा नहीं कर पाता जैसी कि उनको चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ ये बहुत सुंदर रूप तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी रेखा पर यहाँ खड़ी हुई मजबूत रेखा नहीं है। थर्ड पर्व पर कुछ खड़ी हैं, सेकंड पर्व खाली, प्रथम पर्व खाली। जब इस प्रकार का खाली पर्व होते हैं तो व्यक्ति के पास जो धन की जो स्थिति होती है वो सामान्य रूप की धन की स्थिति होती है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ बताती है ये आपकी उंगली। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ से संतान सुख के लिए, अच्छे खान पान के लिए, हाजमे के लिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कई कई चीज़ों का इसका रोल है। ईश्वर के प्रति आस्था के लिए, ईश्वर के प्रति आस्था भी ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी रेखा नज़र नहीं आई कि आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चली जाए, ऐसी भी स्थिति यहाँ कोई नज़र नहीं। अच्छी व्यक्ति का खान पान अच्छा होता है। आइए बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध का पर्वत जाना जाता है यहाँ पर, कम से कम यहाँ 3 से 4 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को ज़्यादा अच्छी रेखा कहलाती हैं। यहाँ पर यदि आपके हाथ के अंदर देखता हूँ तो 2 रेखाएं मुझे बड़ी मजबूती के साथ नज़र आती हैं, यानी वो रेखाएं यहाँ जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं तो उसके पास स्थिति कुछ भी सही, व्यक्ति के पास धन के आगमन कहीं ना कहीं से बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनकर के नीचे की तरफ नज़र आता है। इसके बाद में वो रेखा सूर्य के ऊपर वाले पर्वत तक नहीं पहुंची। अगर वो ऊपर के पर्वत तक पहुंचती तो राज्य सरकार के कार्यों से व्यक्ति को लाभ ज़्यादा मिल जाता है। जब यहाँ इस तरह की स्थिति रह जाती है तो ये है कि बस इच्छाएं तो हुई, और इच्छाओं को पर आपने यश पाने के लिए जो काम है उसको आपने सही तरीके से उसका काम को अंजाम नहीं दिया, यहाँ बताने वाला आपका ये सूर्य का पर्व है। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ आपके पास में सीधा सीधा ये आपका जो पर्व है शनि का पर्व। शनि के पर्व के लिए मैंने हमेशा एक सूत्र है, शनि का पर्व यदि व्यक्ति का सामान्य हो और उस पर 2 से 3 खड़ी रेखाएं हो या एक अच्छी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को जीवन में बुढ़ापे तक अच्छे धन के आगमन रहते हैं। एक माइनस जैसी छोटी सी ये बिंदु वाली रेखा आपके जीवन के अंदर आपके बुढ़ापे को डिफिकल्ट कर सकती है। यदि यहाँ पर खड़ी हुई रेखा अच्छी नहीं हुई तो आपको आपका बुढ़ापा बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा, खासतौर से धन की स्थिति से और शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति से, यानी शरीर ही इतना कामयाब ना हो कि आप बुढ़ापे में धन का इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसी स्थिति वर्तमान में यहाँ बनी हुई है। आइए बृहस्पति के पर्व की बात करता हूँ। बृहस्पति का ये पर्व और यहाँ पर एक रेखा ये है बस थोड़ी सी कि कुछ बुद्धि का इस्तेमाल लेकर के आप धन का आगमन प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बनता है तो व्यक्ति को पैतृक जमीन, पैतृक मकान अवश्य मिलता है। स्वयं के मकान के लिए मैं आगे रेखाओं को देखकर बताऊंगा। तो ये अपने आप में पर्वत अनुकूल है, विवाह करा देगा, संतान का सुख सामान्य दिला देगा। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ बड़ी अनुकूलता के साथ में
चल करके हृदय रेखा सीधा सीधा बृहस्पति पर्व तक पहुंच गई। यानी अभी वर्तमान में कहूं तो कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं दिखाई देते। यानी यहां से अभी ये इस प्रकार से रेखा जारी है, अभी तो इसमें कोई भी रोग के संकेत नज़र नहीं आते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली आपकी यहाँ स्थिति। अब बात करते हैं सीधा सीधा, पहले मैं बुद्धि रेखा को करूँगा, बाद में मंगल पर्वत को। आपके यहाँ से निकली रेखा और बिल्कुल सीधी पैमाने की तरह खींच करके और बराबर बराबर बैलेंस करती हुई आपकी हृदय रेखा के नज़दीक से चली गई। यानी कि इसमें तो नहीं नज़र आ रही, उसके अंदर जो मैंने नील किंग वाली मंगाई तो उसमें एकदम सीधी सीधी रेखा जा करके और बिल्कुल इस रेखा के बराबर में से निकल गई है। यानी कि यहाँ पर बोल लाओ दूसरा फोटो, ये बुद्धि रेखा सीधी जा कर के बिल्कुल यहाँ गई और इसके बाद फिर हल्का हल्का सा जा कर के बिल्कुल ये आखिर में भी निकल गई। यानी कि ये वो रेखा है जब बुद्धि रेखा और हृदय रेखा का आपस में संपर्क हो जाए तो व्यक्ति दो चीज़ों वाला जरूर हो जाता है। एक तो बात ये कि वो जब हृदय रेखा जब में जाके ये रेखा मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत डिसिप्लिन वाला हो जाता है। यानी बिल्कुल उसकी बात को माने या तो पूरा घर, यदि नहीं मानता है तो फिर उसको क्रोध आ जाता है। साथ ही साथ ये बुद्धि रेखा में का हृदय रेखा में जाना परिवार को तो बहुत प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति अपने परिवार को प्रेम करता है, परिवार को साथ लेकर के चलता है और अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन अपने आप को रखता है। तो कुल मिलाकर उसकी इन बातों को परिवार के लोग पसंद नहीं करते। यानी वो जैसे अपनी चलाना चाहता है उसे लोग पसंद नहीं करते हैं और इस कारण से परिवार के लोग उससे कुछ रुष्ट रहते हैं। यहाँ भी एक और दूसरी मंगल पर्वत से रेखा इस तरीके से उठ जाए, यहाँ शनि पर्व की तरफ उठती है और फिर इस प्रकार से डाउन हो जाती है। यहाँ ये मंगल रेखा दूसरे से बुद्धि रेखा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी अति साहस से ऊपर को उठ जाना, व्यक्ति अति साहस के साथ एकदम उठ जाता है और अपने क्रोध पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। एक ये जी यहाँ पर आके देखिए, आपकी एक बुद्धि रेखा ये है, ये वाली बुद्धि रेखा का काम क्या है और उस वाली बुद्धि रेखा का काम क्या है। जो ये नीचे वाली बुद्धि रेखा है उसी फोटो को रखिए, ये वाली जो नीचे वाली बुद्धि रेखा है, इस बुद्धि रेखा का मतलब यह है 10, 20, 30 लगभग जाकर के 34, 35 वर्ष तक व्यक्ति का अपने जीवन पर एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था उसकी रह जाती है। यहाँ 35 वर्ष से उसका जीवन की बुद्धि रेखा अलग से काम करना शुरू करती है और उसके बाद के अंदर वो कुछ दूर स्थानों से भाग दौड़ करके अपने जीवन को चलाता है। यानी 35 से एक नया उदय हुआ आपकी बुद्धि रेखा के अंदर। तो दो दो तीन तीन तरीके से बुद्धि रेखाओं ने यहाँ प्रारूप को छोड़ा है, तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, स्वयं पर एक जगह स्थिरता के साथ जुड़ना होगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये बुद्धि रेखा है। अब बात करता हूँ मंगल के द्वितीय पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं। फर्स्ट मंगल पर्व, यहाँ बहुत ज़्यादा कोई संघर्ष, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने वाली रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के कर्म रेखा यहाँ पर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति निठल्ला है, कुछ ना कुछ करता भी रहता है। तो चलिए, ये इस तरीके की रेखाएं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, किसी भी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन की बात करूँ तो वो यहाँ हाथ के अंदर नज़र नहीं आता। व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ तो थोड़ी सी आयु रेखा से व्यापारिक रेखा एक निकल करके चलती है, कुछ टूटती है, कुछ बाएं दाएं घूमती है। यानी कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते, आप व्यापार भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ से लेकर 35 तक बिल्कुल ठीक, इसके बाद में भाग्य रेखा कहीं भी मगर मैं देखता हूँ तो एक रूपता के साथ में एक बेहतरीन रेखा का स्वरूप इस रेखा का कहीं पर भी नहीं बना है। 35 तक ठीक लगा, इसके बाद में एक रूपता से कहीं भी नहीं लगा कि कोई भी बहुत ज़्यादा आप सही रूप से स्थिर होकर के अच्छे खासे धन को, आगमन को प्राप्त कर सके, ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो ये आपकी भाग्य रेखा का प्रारूप है। बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व सामान्य रूप से ठीक है, यानी सामान्य रूप के संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। तो ये शुक्र पर्व हो गया। आयु रेखा की बात करता हूँ,
तो आई यूरेका यहाँ से जा कर के और ये आपके सीधा मणिबंध के पास तक पहुँच गई। 75 की आयु रेखा भी है, संतान रेखाएँ भी यहाँ से छोटी छोटी दो रेखा तो ये चमक रही है, बाकी पत्नी के हाथ से ये पता लगती हैं। तो संतान भी है, ये मंगल रेखा है जो हर मुसीबत से निकाल करके आपको बाहर लाती रही आज की एज तक 44 तक। चलिए ये सब हुआ, अब बात करते हैं आपके सवालों की। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? देखिए मैरिज लाइफ जहाँ तक सवाल है, मुझे यहाँ कहीं भी कोई तलाक की रेखा नज़र नहीं आई मैरिज लाइफ में, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा भ्रमित है। कभी आप डिसिप्लिन में ज़्यादा अपने परिवार पर आज तक बहुत ज़्यादा आपका भाई मेरे अनुसार चलो मेरे सह अनुसार चलो ऐसा करना, या कुछ आपका कोई ऐसा अवगुण होना जिसकी वजह से आपको परिवार से आपकी बनती नहीं है, तो वो कमी ज़्यादा आपकी रेखाओं में है। पत्नी की हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो पत्नी की तरफ से ऐसी स्थिति नहीं है, तो अपने आप को स्वयं में नियंत्रित रखिएगा। रोजगार नौकरी या बिजनेस, जहाँ तक अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 44 में, तो 44 ईयर्स में बहुत स्थिति आपकी ख़राब है। यानी आगे भी मैं देखता हूँ तो बहुत आगे तक मुझे बोलना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे किसी का डराने का मेरा काम नहीं है। लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि यदि आप इस समय पे किसी व्यापार को करें तो और नौकरी को करें तो, यानी कोई सी भी स्थिति में करें, आपको लाभ की रेखा यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। यानी आप व्यापार करेंगे तो भी यदि आप 25 पैसे कमा रहे हैं तो 25 कमाएंगे, यदि आप नौकरी करेंगे तो भी आप 25 पैसे कमाएंगे। यानी किसी जगह से आपका उठान नहीं है, आप कोई सा भी काम कर लीजिए, कमाई आपको बैलेंस बराबर ही रहना है। वाइन से दूर रहेंगे, तो आपने कहा वाइन से दूर रहेंगे। देखिए जब मैं बुद्धि रेखा को कहीं ना कहीं पढ़ रहा था तो मुझे लगातार यही बात लग रही है कि ऐसी क्या दिमाग में बुराई है कि जो आप डिसिप्लिन रखते हैं या कुछ करते हैं या घर वालों को अपने में नियंत्रित करते हैं, तो ये सब इसका मतलब यही है कि आप स्वयं पर जो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, गलत कार्य करते हैं, इसकी वजह से ही आपके घर वाले आपसे दूर हैं और भाग्य रेखा भी आपसे रूठी हुई है। तो वाइन से दूर, भाग्य रेखा लुप्त है। मुझे नहीं लगता कि आप वाइन से, सिर्फ वही एकमात्र कारण है जो आपकी बर्बादी का कारण है, मुझे नहीं लगता आप उससे दूर हैं, इसलिए आपको स्वयं पर प्रबलता बनानी पड़ी होगी और कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। मकान कब बनेगा? आपके हिसाब से मकान बनने की रेखा कहीं से कहीं तक भी नहीं है। हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? जहाँ तक आपने स्वास्थ्य के लिए पूछा, भगवान की ऐसी कृपा है कि अभी तक अच्छा ये है कि किसी रोग ने आपको आकर के घेरा नहीं है। तो अभी यहाँ कहीं से कहीं तक अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि साल भर तक आपको कोई बहुत बड़ा रोग है। आगे भी रेखा है, मुझे भी रोग की कहीं भी नज़र नहीं आई, तो इसलिए मैं कम से कम एक साल तो बोलकर चल ही सकता हूँ। वेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आगे के समय में। धन को संगवा कर रखिए, धन को एकत्रित करके रखिए, अपनी कोई ज़मीन ज़्यादा तो उसे मत बेचिए। तो कुल मिलाकर आपका बुढ़ापा अभी तक यहाँ पर रेखा, इतने आगे तक बोलना ठीक नहीं, लेकिन जो हाथ की पृष्ठभूमि है उससे बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है, ख़राब है। किस देव की पूजा अच्छी रहेगी? बिल्कुल निश्चित बात है, आपके लिए सिर्फ एक ही पूजा है और वो पूजा है देवी की। आपका शुक्र अच्छा है, आपका चंद्र अच्छा है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अपनी माँ की ज़्यादा सेवा करें और देव पूजा में आप केवल कर सकते हैं किसी भी देवी की पूजा। अब मैं आपको वो पूजा बताऊंगा जो आपके जीवन के अंदर सबके संकटों से आप बाहर निकल सकें और साथ ही साथ अपने जीवन में आप बुरी आदतों को भी छोड़ सकें। इसके लिए आपको रोज़ाना पूजा में संकटनाशन गणेश स्रोत पढ़ना होगा, एक दूसरा आपको प्रतिदिन देवी कवच पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसे पढ़िए, वो आपको ताकत देगा, वो आपको सद्बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा, धन देगा, सारी चीज़ों देवी कवच के अंदर दुर्गा सप्तशती का। मैं दोनों की लिंक भी भेज दूंगा, उन्हें करें, जीवन सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।